Hello viewers, welcome to our channel Backpack TV. Please watch videos, like, comment, share and subscribe our channel. Dear viewers, you are watching most popular channel Backpack TV. Subscribe this channel for coverage, recording and YouTube uploading of any interview, press conference, music trailer launch or filmy event. Contact Backpack TV on +91989204678. We ensure you that your event must be broadcast across the world in HD quality. अच्छी बात बता दूं आपको, क्योंकि मैम रशिया से है, राइट? और इन्होंने इतनी अच्छी हिंदी बोली है इस फिल्म में, यार कभी कभी हम लोग भी नहीं बोल पाते इतनी अच्छी हिंदी. मैम प्लीज दो लाइन सिर्फ आप अपने फिल्म के बारे में हिंदी में बोल दे तो हमें काफी अच्छा लगेगा. सबसे पहले तो नमस्ते एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग. और ये जो मूवी है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल मूवी है, ये मेरी फर्स्ट मूवी है. और जोनी हमारी जो रही वो थोड़ी सी लंबी खींच गई, उसके बाद मैंने भी 3-4 मूवीज और बनाए, बट फिर भी ये ही फर्स्ट रिलीज हो रही है तो ये मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी. और शर्मा जी के जो क्या बोलते थे हिंदी में, नहीं क्या नहीं हॉस्पिटैलिटी, वो मैंने उनकी जो हॉस्पिटैलिटी जो उन्होंने केयर किया, मैंने उनके साथ 2 सीजन निकाले और हमारी स्पेशल बॉन्डिंग है और रहेगी. और आप प्लीज देखिए हमारी मूवी, आई होप पसंद. देखिए मैंने एक और काम किया था, आप एडीटीवी न्यूज का नाम सुनेंगे, उसमें गुस्ताखी मात एक शो आता था, उस शो के पॉकेट गिलास राव देशमुख की आवाज में ही देता. 8 साल तक मैं एडीटीवी पहले एज ए फ्रीलांस मैंने काम किए हैं. जहां तक बंगाली की बात है, इसमें ये मेरा कमाल उधर बैठा है वो बड़ा परेशान करता था, मेरी बेटी से भी प्यार कर रहा था, उससे भी कर रहा था, एलिना से. तो मैं इससे बड़ा नफरत करता हूं. ये मेरे जब ऑफिस में आता है, तुम्हारा इतनी हिम्मत हमारे बेटी के साथ तुम क्या करता, क्या एग्जाम मोड़े ना आज के बाद तुम दिखे नहीं यहां पे. बहुत ही लाइट हार्टेड इमोशनल रोमांटिक फिल्म. एंड अगर अपने किरदार को थोड़ा ज्यादा अगर मैं एक्टिवेट करूँ तो वो एक सिंपल यंग ब्रैश इनिशियली फर्स्ट हाफ में यंग ब्रैश कॉकी थोड़ा एटीट्यूड है उसमें, क्योंकि एक ट्रेलर से जहाँ तक डायलॉग पे भी एक पता चलता है कि बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है. तो किस तरह कुछ सर्कमस्टेंसेस होती हैं उसके ज़िंदगी में एंड उसको रियलाइज़ होता है कि वो जो कर रहा है वो व्यवहार सही नहीं है, उसको अपना नज़रिया बदलना चाहिए दुनिया के प्रति, और किस तरह उसके अंदर खुद में भी चेंज आती है और किस रीज़न से वो चेंज आती है, कौन है वो इंसान जिसके वजह से उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं अब ये बचपना, ये जो दूसरों से दुर्व्यवहार है ये सब बदलना चाहिए, और किस तरीके से हमें एक कैरेक्टर में भी ग्रोथ मिलता है फ्रॉम अ यंग ब्रैशी बॉय टू. और कैसा अनुभव था काम के दौरान, आर के शर्मा जी जो प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस कैमरा पे? Hi everyone, my name is Shalini Sai and this film mein my role is, my character is Arohi. I'm playing the character of Arohi jo jo principal hai, jo play kar rahe hain jo character Mateen Khan sir, unki beti ka role hai. And this film is very special kyunki we are starting with this movie and we need lot of love and support from each one of you, taki काम करना बड़ी बात होती है लेकिन उस काम को प्लेटफॉर्म मिलना सबसे बड़ी बात होती है. सो दिस फिल्म आई थिंक इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन जो काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री में. सो आरोही बहुत ही सिंपल गर्ल है, वेरी बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा ही सिंपल लड़की है, एक्सट्रीमली गर्ल नेक्स्ट डोर. एंड चूंकि शी उसकी मम्मी नहीं है, शी हैज़ लॉस्ट हर मदर एट अ वेरी यंग एज. सो उसकी बॉन्डिंग जो उसके फादर से है बस वही कनेक्शन है उसके लाइफ में, उसके पापा के बिना और कोई भी नहीं है. शी डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, ना ही उसकी कॉलेज में उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, ओनली कमिंग टू कॉलेज एंड गोइंग होम, टेकिंग केयर ऑफ अ फादर, दैट्स इट. तो उसके बाद उसकी
उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो आपको मूवी में बाद में पता चलेगा. सो उसकी लाइफ में एंट्री होती है रणवीर की, जो आर्यन की माय कैरेक्टर नेम इज सॉरी आर्यन. सो हाउ लाइफ चेंजेस, उसको उसकी लाइफ जो बहुत ही बोरिंग नहीं कह सकते बट बहुत ही सिंपल लाइफ थी. शी उसे प्यार का एहसास होता है, उसकी लाइफ में कुछ न्यू होता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. So this is the journey of her character and I'm very happy. I play about it. And Sharma ji, he's the captain of the ship. He's everything to this. This project is like his baby. Ka bachcha jaisa hai jo shuru se end tak hi unhone sambhala, unhone isko isliye platform diya hai. So he's everything to the movie. Of course everyone has supported him in this, but the way he has taken care of everything, the artist, he's very very hard working. So I want to say thank you to him as well for choosing me to play Arun. Thank you so much. Main about your role and how was the experience in Hello, namaste, mera naam is Tejya aur main is character ko nibha rahi hu, uska naam hai Rita. रीता जो है एक जैसे आर्यन इस बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, वो भी बड़े बाप की बिगड़ी हुई बेटी, एकदम फुल एटीट्यूड होल, मतलब ऐसी जो मॉडर्न लड़कियां नहीं होती आजकल उसी टाइप की. बट शी इज मैडली इन लव विद हर बॉयफ्रेंड आर्यन. तो जब आर्यन की लाइफ में कोई और लड़की आती है वो कैसे बिहेव करती है, उसका कैरेक्टर का क्या हो जाता है, वो एकदम चेंज होती है, वो आप मूवी में और फिर उसकी भी जो नहीं ऐसे खत्म नहीं होती, उसका भी जो कैरेक्टर है वो भी डेवलप हो रहा है और लास्ट में आप बिल्कुल दूसरी रीता को आपको देखने को मिलेगा. आरन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कॉलेज में सब जाते हैं पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, आपने प्रिंसिपल की लड़की देखिए करना है तो भी बड़ा काम ही कर रहा है, छोटे काम तो क्या फायदा. और पर ऐसा सोच के तो नहीं किया था आर्यन ने कि प्रिंसिपल की लड़की कोई पटाएंगे, प्यार किया नहीं जाता, वो हो जाता है और इस कैरेक्टर को उस कैरेक्टर से हो गया है. पर्सनली मेरा वैलेंटाइन के ऊपर थोड़ा सा कुछ अलग पार्ट है कि अगर एक ही दिन आप इंसान को ज़्यादा प्यार करोगे तो फिर ठीक बाकी 364 दिन आप लाइक नहीं उसके साथ, तो आपको हर दिन प्यार करना चाहिए. उसी तरह इस ये फिल्म भी है कि कभी भी आए जो मैसेज है जो प्यार है वो बांटना चाहिए. आपका दिल क्या कहता है, लाइक टू एवरीवन क्या कहता है? मेरा दिल कहता है, मेरा दिल क्या कहता है क्या कहते हैं रिगार्डिंग द फिल्म? देखिए कोई भी फिल्म आती है तो कोई भी आर्टिस्ट होते हैं जो भी टेक्नीशियन जुड़े होते हैं वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि वो पिक्चर अच्छा नाम करे और खुद का भी नाम हो. एक्टर का भी एक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द टैलेंट. नहीं आपसे ये जानना चाहेंगे कि शर्मा जी की लग गई इसमें, लगे फिल्म आई शर्मा जी की लग गई शर्मा जी ने लगनी नहीं दी कितना The whole film was actually बहुत ही अच्छा एक bonding बन गया सबसे. Center था क्या मैडम? हमारी unit बहुत ही ज़्यादा बहुत ही limited crew के साथ हम एक movie बना रहे थे तो हमारी bonding आपस में बहुत ही अच्छी होगी. Family मतलब it was not like a professional work going on, it was like a family. Everyone was supporting each other in terms of everything. So ये movie का experience बहुत अच्छा था हमारे. हमने बहुत ही हंसी मजाक हंसते करते शूट किया था, बहुत ही enjoyable story है. और इसमें हमारी फिल्म है और बाकी दर्शक बताएंगे इनकी कैसी रही और 28 फरवरी को रिलीज हो रही है. तो मत का दिखता है बहुत तकड़ा और क्या उसकी इस तरह की कहानी है आज के लिए, लेकिन क्या ऐसी खास बात रहेगी वो आपको मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा. ऐसे में क्या होता है, बाकी लव स्टोरी है, कॉमेडी है, कैरियर मूवी है. कहाँ कहाँ पे शूट किए गए हैं? ये अलावा नॉन नैनीताल शूट किया है. स्टारकास्ट की बात करते हैं तो नए चेहरे नए लोगों के साथ काम करना कैसे रहता है? थोड़ी बहुत अच्छी बात है ऐसा, देखिए स्टारकास्ट नए हो लेकिन अच्छे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है.
अगर एक्सपीरियंस लोग हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, टैलेंट है, वो तो फिर दिक्कत ही होती है। तो मार्टिन निमो एक्चुअली जो भी यंग जो स्टार्स होते हैं काफी टैलेंटेड होते हैं, मतलब काफी सीनियर करके आते हैं भाई। नए लोग भी टैलेंटेड होते हैं, ऐसा नहीं है, और हम लोग उनको चांस नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। प्रोड्यूसर का हिसाब किताब होता है, प्रोड्यूस करने का जो है वो सब चीज़ें तो पैसे से ही होती है। अब हर किसी प्रोड्यूसर के पास में करोड़ों रुपए का जो है बजट तो रहता है, तो हर प्रोड्यूसर जो है वो अपने हिसाब से जो है वो कास्टिंग करता है और उस हिसाब से ही। फैमिली ड्रामा का लिखे आप, एक फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी है, एक मनोरंजन। तो अभी आगे आगे बोले आगे। फिल्म तो अभी 28 को रिलीज हो रही है, 28 फरवरी। पैसे आने होंगे कि नहीं? हाँ, भाई तो रिलीज होगी और पैसे आने होंगे तो भाई बाद में आएंगे ना, अभी तो रिलीज होने दीजिए। हाँ, पैसे खर्च होते हैं, देखिए बनाने में भी पैसे लगते हैं और रिलीजिंग में भी लगता है, पैसे लगते हैं, थिएटर हायर करने पड़ते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ जैसे भी लेना पड़ता है, मतलब वहाँ पे भी पैसे खर्च करना। आपके मैं शेर से ही विदा देता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो आज के मंजर पे ये शेर फिल्म से हटे कि तेरी इस दुनिया में मंजर क्यों है, कहीं जख्म तो कहीं पीठ में खंजर। तेरी इस दुनिया में मंजर क्यों है, कहीं जख्म तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है, और सुना है कि तू हर जर्रे में रहता तो फिर जमीन पे कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों। क्या बात, क्या बात, एक नंबर। और जब रहने वाले तेरे ही बंदे हैं तो फिर कोई किसी का दोस्त कोई दुश्मन क्यों है, और जब तू ही लिखता है सब लोगों का मुकद्दर तो फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों। Thank you for watching Backback TV channel. For interviews and events coverage, contact on 989204-6798. Please subscribe Backback TV channel and press bell icon for latest videos.